नमस्कार सभी को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायरमैन की वैकेंसीज आई हुई थी और उसी का अपडेट आप सभी के समक्ष लेकर के हाजिर। ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट है, क्या कुछ इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या इसके अंदर एज क्राइटेरिया है, सभी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम सभी चीजों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमारा डिपार्टमेंट जो होने वाला है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है, इसरो के अंदर हालांकि बहुत बार वैकेंसीज फायरमैन की देखने को मिलती है और इसकी सैलरी भी बहुत ही गजब की होती है। तो ये जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो अपना फॉर्म जरूर फिल करें। इसकी स्टार्टिंग जो डेट है यहां से 10 फरवरी होने वाली है। 10 फरवरी से आप इस फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के अंदर ये अप्लाई होगा और लास्ट डेट की बात करें तो 1 मार्च 2024। एप्लीकेशन मोड वही ऑनलाइन होने वाला है। साइट की अगर हम बात कर लें, ये आपकी होगी www.isro.government.in। ये आपकी साइट होगी जिसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, इसी के साथ और भी बहुत सारी पोस्टें हैं, अगर आप उनके लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म को फिल करेंगे। यहां पे साइंटिस्ट इंजीनियर है, टेक्निकल असिस्टेंट है, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, फायरमैन ए। ठीक है, फायरमैन ग्रेड ए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपके लिए यहां पे ये है फायरमैन वाली। और इसके लिए टोटल जो पोस्ट आपके लिए निर्धारित की गई है, टोटल कितनी, 3 पोस्ट आपके लिए रिजर्व निश्चित निर्धारित की गई है। क्लियर है, तो 3 पोस्ट हैं। जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है, फॉर्म को फिल करना चाहता है, बिल्कुल आप फिल करेंगे, ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसके अंदर हो जाएगी। फायरमैन की लास्ट एंड लास्ट के अंदर SSC मैट्रिक SSLC पास होना चाहिए, यही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है ना, तो आप, मैं सभी को यही कहूंगा फॉर्म को बिल्कुल फिल करें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर जुट जाएं। फायरमैन की जो एज क्राइटेरिया 18 साल से 25 साल तक आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है, 18 साल से 25 साल तक आपका एज क्राइटेरिया होगा तो आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या कुछ होगा, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपकी होगी। तो ये चीजें आपकी इस इसरो के अंदर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, जितनी भी जो पोस्ट डिक्लेयर की गई उनके लिए। तो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करें और अपनी जो तैयारी है उसके अंदर जुट जाए। जय हिंद, जय भारत।